ये तो वो लिखा नहीं है यहाँ पे, जरूरत नहीं है सब जगह तो शॉपिंग करना। तो हम जाएंगे उस साइड, उस साइड जाना हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है, बिकॉज आई एम गो इंडिया। और तो ये रियाज की जो लास्ट वीडियो है उसमें हम पैकिंग कार्टून करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो लगेज है वो लगेज पैक कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद में अब जो है ये जो है कार्टून है ये, तो इस कार्टून पर हमें ये वाली प्लास्टिक चढ़ानी है। ये प्लास्टिक है, ये वाला कार्टून है, एक बैग ये वाला है, और उसके बाद एक बैग और है, चार बैग हैं। वो हमारे जो क्या कहते हैं टिकट में जो उसका वजन दिया है 23 kg हैं इरफान भाई, 23 kg एक बैग में है, तो चार बैग हमारे दो जनों के हैं। उसके अलावा हैंड बैग का जो राइट वो है वजन है वो आई थिंक 7 kg है। तो 23 कितना हो गए, 46 कितना हो गया टोटल, 92 है, 92 kg यानी कि वजन जाएगा हमारा लगेज में फ्री विथ टिकट। और उसके अलावा हैंड बैग में जो भी है वो अलग है। तो आज आपको ये देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है रियाज की, उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया की वीडियोस। तो बने रहिए ब्लॉग में। और सारे बैगों पे इस तरह से कवर चढ़ेगा, उसके बाद में फिर शतरतून लगेगा, यानी कि जो बोलते हैं क्या बोलते हैं शतरतून को, टैप 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 बोलते हैं अरबी का। वही वही चीज कर ऊपर को फिर भी कहना भी ना, पड़ा ना। तो ये तो अब देख सकते हो फाइनली जो डिजाइन है कार्टून का शतरतून जो लगा है इसका टाइप वो इस तरह लगा, ठीक है, चारों साइड से बिल्कुल सेम यही दिखेगा आपको। अब समझ लो कार्टून कहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता फटके, इतना मजबूत बना दिया, ठीक है, तो सारे ऐसे होंगे। तो दोस्तों ये जाए, ये जो है इसके शतरतून टाइप जो है वो लग चुके हैं, देखो एक ये लगेज है, एक ये है, उसके बाद में एक वो बाद में, वो कल को पैक होगा, लास्ट जो सामान बचेगा उसमें सारा हो जाएगा। लेकिन इस तरह से पैक करा, क्योंकि इसे करने के इस तरह करते हैं ना बहुत सारा, तो डैमेज नहीं होना होता, कोई डर नहीं होता वो फटने का या वो, क्योंकि लगेज में जहाँ एयरपोर्ट पर जो है फेंकते हैं वो लोग जो वर्कर होते हैं ना, वहाँ पर एक फ्लैट में दूसरे फ्लैट को फेंकते हैं या फिर ट्रॉली में से बैग फ्लैट में को फेंकते हैं, तो उसका अगर आप सही से केयर नहीं करोगी या पैक नहीं करोगे, इसको कवर नहीं कर पाओगे, तो फिर ये तो डर रहता है फट नहीं जाए यार, तो उसमें आपका सामान नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सकते हैं इतना अच्छे तरीके से करा, आप इस पर लेबल लगेगा नेम का, उसके बाद में खलास फिनिश, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ बता, वहाँ से हमें लेना है तमक यानी खजूरें लेनी है थोड़ी बहुत, और उसके बाद में बस आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये आज की लास्ट वीडियो है जो रियाज से आपको मिल रही है। तो ब्लॉग को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं हमारे चैनल पे, ठीक। साथ थोड़ा सा शॉपिंग करना है यानी कि खजूर वगैरह लेने के लिए इरफान भाई, और इरफान भाई को घुमा रहे हैं, इरफान भाई हमें घुमा रहे हैं, अब हम आएंगे तो इरफान भाई हमें घुमाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमें इशारे पे कबूतर, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है सऊदी के अंदर कबूतर देखना, मदीने और मक्का में ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने रोटी डाली माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। मदीने मक्का मदीने में कैसे लगते हैं कबूतर, अच्छे लगते हैं ना, मदीने में कितने ढेर सारे होते हैं, लेकिन यहाँ कबूतर बहुत है सऊदी के अंदर बहुत है। हम आ गए हैं बथा और हम जा रहे हैं मार्केट में, पार्किंग कर दी गाड़ी उधर उस साइड, क्योंकि यहाँ पार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। बथा के देखो आप नज़ारे शाम के टाइम, ये बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग यहीं से ख़रीदारी यूँ करते हैं थोड़ा सामान, यहाँ पर वो कहते हैं ना इंडियन पाकिस्तानियों की जो आदत है ना कम बढ़ती करने की, पैसे वो यहाँ हो जाते हैं शहर में अंदर, किसी मॉल में नहीं हो पाते तो यहाँ हो जाते हैं, पसंद करते हैं शॉपिंग करना। तो हम जाएंगे उस साइड जाना हमें। दोस्तों खजूर है जो ले ली सारी, ये है बथा और हम शॉपिंग कर लिया, हम जा रहे हैं वापस रिटर्न घर पे। कितनी भीड़ है भाई, Thank you.
तो बथा से हम आ गए घर, और दोपहर के बाद गए थे 3 बजे के बाद, नमाज पढ़ के 3 बजे निकले थे आई थिंक, 3 सवा 3 बजे, और सामान लेके। भीड़ बहुत थी वहां पर यार, वो खजूर की शॉप की दुकान नहीं बना पाए उसकी वीडियो। खजूर जो लिया है ये पैकेटों पैक करा लिए 1-1 kg, और माशाल्लाह अच्छी हैं, नेचुरल है, इसमें कोई शुक्र मतलब मिक्स नहीं है, और थोड़ा बहुत सामान वैसे ही था ये। अब ये वाला सामान पैक करना, ये इतने समझ लो 10-11 kg खजूर है, उसके अलावा क्या कहते हैं 1-1.5 किलो सामान वैसा अलग है, तो 12-13 किलो ये हो गया। और हैंड बैग में, मेरे हैंड बैग में तो मेरा सामान है, कपड़े हैं मेरे, और भाई के हैंड बैग में कुछ नहीं है, तो उसमें 7 kg पास है, तो 7 kg में 12 किलो कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे ही होता है यार, सफर जाओ ना तो वजन ज्यादा ही हो जाता है, पता नहीं क्यों, आज भी देखो 10-12 किलो वजन आ गया, लेकिन बहरहाल चलो जैसा भी है उसको इसके अंदर पैकिंग करेंगे कैसे क्या है। बहरहाल आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह अब जो होगी नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाई देगी रियाज टू डेली, और उसके बाद घर तक की वीडियो, सफर की पूरी वीडियो दिखाई देगी, तो वो मिस ना करें आप। उसके बाद में घर की वीडियो सारे ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और दुआ करिए हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, अल्लाह पाक सारी आसानियां हो, और हर मुसीबत आफात बलियासा हमारी, हमारी फैमिली की, सबकी अल्लाह हिफाजत कर, और आप सबको भी अल्लाह पाक अपनी सलामती में रखे। तो शादी है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह, और मैं अब जा रहा हूँ, तो आप लोग ब्लॉग देखना ना भूलें, इंशाल्लाह आपको हर अपडेट आप तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।